को ऐसा लगता है कि मैं भारत के अंदर सबसे अच्छा लुक लाइक अमिताभ बच्चन का मैं करता हूँ, ऐसा उन्हें लगता है, और उसके लिए ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है, और उसके लिए मैं अनिल भाई और जितनी भी मीडिया है उनको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। देखिए, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, किसी भी कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत ही होती है, और उसके बगैर ये आसान नहीं होता है। और बच्चन साहब एक ऐसा किरदार है कि बच्चन साहब को कभी देख भी लेते तो उनकी सांसें एक आवाज़ होती है, उनकी उनकी आँखों का एक अलग नजरिया होता है, उनके कंधे बोलते हैं, उनका आँखें बोलती है, हाथ बोलते हैं उनके, तो ये काफ़ी मैंने उनके ऊपर स्टडी किया, और उसके बाद मैं भी 10 सालों से काफ़ी उनका काम करता हूँ। और बच्चन साहब की फिल्म थी गंगा मैया करके, उस फिल्म में मैंने पूरा डबिंग भी किया है, और अभी अभी नागराज मंजुले का एक नागराज मंजुले की फिल्म चली झुंड, उसका नाम है, और झुंड फिल्म के अंदर मेरे कुछ रोल है, नागराज मंजुले जी ने उन्होंने मुझे बुलाया, और जो लॉन्ग सीन है तो उस सीन के लिए मुझे वहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो उस सीन मेरे भी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबूजी की कविता मुझे याद आ रही है, और वो कविता मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैं एज ए सिंगर पहले आया था इधर, उसके बाद फिर लोगों ने कहने लगा कि मेरी शक्ल मिलती है आमिर खान से, तो फिर मुझे ट्राई करना चाहिए कुछ ऐसा। तो आई एम ऑल्सो एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मिमिक्री आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड होने से क्या होता है कि हमारी जो एक मतलब लुके लाइक भी कोई मतलब एक कैटेगरी है, तो लोगों को ये बात समझ में आ जाए। पहले लोगों को लगता था कि नहीं ये फैंस है, हीरोज़ के फैंस है। एक्चुअली हम फैंस तो है, बट क्या है, फैंस थे हम थोड़ा हटके, क्योंकि हमारा काम क्या है कि ये हमको इस चीज़ को हम काम समझ कर करते हैं, और फैंस क्या होता है सिर्फ उस चीज़ को प्यार करते हैं, लगाव रहते हैं, हमको भी लगाव है, ऑब्वियसली लगाव रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार भी हुआ था, लेकिन मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया था तो मैं आ नहीं पाया था। लेट्स सी, देखते हैं, कुछ परफॉर्म तो करना है। वैसे आप लोगों को सभी से कहना चाहूँगा कि मेरा एक मैंने स्टार गिल अवार्ड फंक्शन में कपिल शर्मा के साथ में काम किया था, मैंने एज ए जीके बना था, उसमें पीके का दादाजी बना था, और वो बहुत सक्सेस शो हुआ था। मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ चुका हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा उसमें आ चुका हूँ, बुगी बुगी में आ चुका हूँ। पिछले साल मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, आमिर सलमान शाहरुख, उसमें हम तीनों थे, और फिल्म कुछ जगह पे चली, ऑल इंडिया रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन सक्सेस गई, बजट के हिसाब से सक्सेस थी। और मैं बेसिकली आई एम अ सिंगर, और मैं सिर्फ एक ही आवाज़ में नहीं बल्कि तकरीबन 51 सिंगर्स की आवाज़ को नकल करता हूँ। और कुछ सुनना चाहेंगे, कोई डायलॉग्स वगैरह? ओके। अरे नहीं नहीं नहीं, हमरा गोला माँ, हमरा गोला माँ तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतिया दे, कोनो कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तो ससुरा बोलते कुछ है और उनका मतबल कुछ और निकलता है, एक ही शब्द के चार चार मतबल, चार चार ऐसे मुंडी हिला के बोलो अच्छा अच्छा, यानी सब कुछ ठीक बा, आँखें बड़े बोले अच्छा यानी शौक माँ, तो ये अम्मा का एक्सीडेंट हो गया अच्छा, गुस्सा आ गया तो लाउडली अच्छा, अच्छा हमको सिखा रहे हो अच्छा, सोचता है तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। आज के इस दिन मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले सभी को सलाम वालेकुम, कैसे हो, सत श्री अकाल, गेम छो और नमस्ते, सब मजे में हो ना। तो आज हमारे आरिफ भाई ने जो मुहिम छेड़ी है, यानी एक साल जिसको हो गया है, तो हमारे कई सारे ऐसे लुक लाइक से जो कहां कहां रहते थे वो साथ में आकर आपके सामने परफॉर्म करते हैं, और आपका प्यार मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्या समझोगे आप लोग यार। आपको कुछ पता नहीं, आप मीडिया से हो ना, कैटरीना कहीं नहीं पता, अभी फिलहाल लुलिया है, देखते आगे क्या होता है। ओके, बिसाइड्स दिस, आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पर? आज तो मेरा एक सॉन्ग नहीं है, तो भाई के कई सारे रूप है, रोमांटिक है, दबंग है, उसके बाद में ढिंग का चिका है, तो ये सब मिलाकर मैं एक करने वाला हूँ। ओके, सो एक ग्लिम्स हो जाए हमारे लिए? हां जरूर, क्यों नहीं, ठीक है। आज गाना पड़ेगा, हो जाए।
ईस्ट और वेस्ट इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड इज द बेस्ट। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है इंडियाज बेस्ट लुक लाइक अवार्ड हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी यूनियन बनी हुई है और आज हमें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो हकदार होंगे इस अवार्ड के बेस्ट लुक लाइक के, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो मैक्सिमम इंटरनेशनल हॉलीवुड में होता था, बट बॉलीवुड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसलिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है हमें देख के डुप्लीकेट कहते हैं। तो आज हमें भी फक्र से हम कह सकते हैं कि आज हमारी भी संस्था बन गई है। हम डुप्लीकेट सही, लेकिन हम एक यूनियन के एक हिस्सेदार है, हकदार है। और नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छा लगता है कि डुप्लीकेट को देख के, हम शक्ल को देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का हम शक्ल बनना बहुत टफ होता है। और आरिफ साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैफ अली खान है, जो सैफ अली खान सर जो है, उनका जो नाम है साजिद अली खान, वही मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। और मैं आज बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे आरिफ साहब के लिए कि तो उन्होंने मुझे यहाँ पे अवार्ड के लिए बुलाया है। और मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। जब भी कोई लड़की देखो, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। और मैं वैसे प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन आरिफ भाई की मेहनत यहाँ तक मुझे लाई है। दूसरी बात, हमारे एसोसिएशन को जो मान्यता मिली है उसके लिए मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सभी का धन्यवाद। कंट्रोवर्सी वाली कोई बात नहीं है, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसा तो अनुमान तो कोई भी लगा सकता है। आप हारने का लगा रहे हैं, कई लोग जीतने का लगा रहे हैं, वो 23 मई को ही क्लियर होगा। आप निश्चिंत रहें, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। चौकीदार यदि चोर होता तो घर लुट जाता। कि उन्होंने हमें इस लायक समझे कि अवार्ड के बारे में हमें बहुत तैयारी करके हमें उन्होंने बनाया है। और मैं बहुत बहुत मन से कहता हूँ कि आरिफ भाई ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है और बहुत आगे करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहता आरिफ भाई के बारे में। अपन का नाम जॉनी है। जॉनी बोले तो अंग्रेजी में करंट, हिंदी में झटका, मराठी में फटका। क्या बात है कोई शक? अरे उसके बारे में मत, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में। जो अवार्ड फंक्शन में हम आए, उसका नाम है लुक ए लाइक। लुक और लाइक मतलब जब तक आप देखोगे नहीं तब तक उसे पसंद नहीं करोगे। ये बड़ी अच्छी सोच आरिफ भाई के दिमाग में आई है। लुक ए लाइक एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया है। लोगों का मनोरंजन करना हमारा फर्ज बनता है। लोगों से हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं। और दिलीप कुमार बनकर इस उम्र में लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और खुशी की बात ये है कि मेरा रियल नेम भी दिलीप कुमार है। तो पहली बात तो आरिफ भाई को धन्यवाद कि मुझे राजस्थान से मुंबई बुलाया इस अवार्ड शो के लिए, कि लगे कि लुक लाइट में सेम कट टू कट ही नज़र आए जैसे कि आप लोगों को लग रहा है। शायद मैं ओरिजिनल हूँ मुझे लगता है। आप बोलिए ना यार। हाँ, तो उसके लिए मैं आरिफ भाई को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को बुलाया। और मैं यही चाहता हूँ, हमारी एसोसिएशन बन चुकी है तो आप मीडिया वाले आगे से आगे मेरी बात को पहुँचाएँ। और आप लोगों का धन्यवाद। ओके, सो आज क्या अवार्ड मिलने वाला है आपको? सबसे पहला अवार्ड तो यह है कि आप लोगों ने हमको समझा, यही हमारे लिए इतना बड़ा अवार्ड है कि इसी को आप आगे लेके और हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ। भाभी माँ, क्या मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुमसे मिलने और तुम उससे बात तक ना करो? ये देखो भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए शहर से लाल गुलाबी कलर साड़ी लाए, लेकिन अफसोस भाभी माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई सफेद साड़ी लेके नहीं आया। भाभी माँ, मैं आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जहाँ हम अकेले अकेले अपने को महसूस करते थे, हमें गर्व हो रहा है
कि भाई आरिफ खान जी के माध्यम से ऑल इंडिया लुक ए लाइक एसोसिएशन बन चुकी है और हम अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हमारा सौभाग्य है और मैं आप पत्रकार भाइयों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इसके माध्यम से आप सभी के दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ और आपकी हमेशा कृपा बनी रहेगी, यही मैं प्रार्थना करूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2014 में वाराणसी में मोदी जी के प्रतिरूप में मैंने ही गली गली में डमरू बजा करके उनके प्रचार प्रसार करने का काम किया था। बनारस में पूरे देश में 4.5 वर्षों तक मैंने कार्य किया। अभी आपका प्रश्न है कि वापसी होगी या नहीं होगी, इस विषय पर लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है और क्योंकि ये दुर्भाग्य रहा कि अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगार मिला नहीं, 15 लाख रुपए खाते में आए नहीं, इसलिए अब ये कहना सरल और संभव नहीं होगा कि वापसी होगी या नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केतली उठा करके मैंने बोला था और मैं आपको बता दूं कि मैं 1999 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा, 2 बार मैं अपने क्षेत्र में पार्षद रहा, 2012 में मैं विधायकी लड़ा और अब की बार आप लोगों के आशीर्वाद से, मुंबई के लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ जी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जिसमें मेरी ये एसोसिएशन पूरी तरह से भाग लेगी और विजयी होकर के जुमले वालों को, अच्छे दिन का वादा करने वालों को हम बताने का काम करेंगे कि जनता से किस प्रकार से झूठ बोल करके उनको पकोड़े बेचने के लिए कहा जाता है। रफेल के बारे में क्या कहना चाहिए आप? मेरा तो कहना यह है, 30,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। मेरा कहना यह है, चौकीदार साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि आपका चौकीदारा ये कैसा है कि जिसमें राफेल की फाइलें ही गायब हो जा रही हैं, चौकीदारे पे प्रश्न चिन्ह लगता है। जूनियर अनिल कपूर अपने आरिफ खान साहब को, जो कि देश के जितने भी माने हुए लुक अलाइक कलाकार है उनको इकट्ठा कर आपके दर्शन करने के लिए यहाँ उसने इतना श्रमा से हमें आप बुलाए हैं और उन्होंने हमारा एसोसिएशन बनाया, हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। ज़रूर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में नाम कमाएगा। हम समाज और देश की भलाई के लिए हम अपने माध्यम से और आपके मीडिया के सहकार से हम भी अपने तरफ से बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, ज़रूर करते रहेंगे। ये तो एक अनहोनी घटना है, हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा एक एसोसिएशन भी बनेगा। लुक अलाइक जितने भी हैं उनको पता नहीं कि ऐसा भी एक महान आदमी अनिल कपूर जी, जो एक जितने भी ये लुक अलाइक भाइयों को इकट्ठा कर एक एसोसिएशन बनाएंगे, तो हम यही सोचते हैं हम भी कुछ इस समाज और देश में हमारी पहचान पाए हैं और हम जैसे अनिल कपूर जी, जो आरिफ खान है हमारे प्रेसिडेंट, उनके कहने के मुताबिक हम भी कुछ अपना रोल निभाएंगे
से लोगों को खुशामद करने के लिए हम अपने तरफ से कोशिश करते रहेंगे। केजरीवाल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, हालांकि मैंने खांसी का तो मौसम खराब हो जाता है तो खांसी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये स्कॉर्पियो अपने साथ रखता हूँ, ये और इस नाम से लोग मेरे को फेमस कर दिए कि मफलर वाला, तो ये खांसी की वजह से ही होता है, इसको बांध के रखता हूँ। पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए, दिल्ली में रहता हूँ कभी भी मौसम बिगड़ जाता है तो दिल्ली की हवा सीएम केजरीवाल ने ख़राब नहीं कर दी है। दिल्ली के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पराली जलाने का काम होता है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बना करके केंद्र सरकार को भेजी थी, मोदी जी से हमने उसके लिए बोला था कि उसको पास करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए ताकि ये एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूट होता है उस पर कंट्रोल किया जा सके, पर केंद्र सरकार सुनती नहीं है, मोदी सरकार सुनती नहीं, बीजेपी सरकार सिर्फ दिल्ली के काम काज में रोड़ा लगाती है। मोदी जी से हमारा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा है उससे सवाल तो किया जाएगा, उससे हिसाब तो लिया जाएगा, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत का उससे ज़्यादा भी जब क्या कहना चाहिए, एक प्रचंड बहुमत की सरकार बना के भेजा है, आपको पीएम बनाया है, तो आपसे उम्मीद भी करेंगे, आपके ऊपर सरकार खर्चा भी करती है, ये जनता का टैक्स का पैसा है तो हिसाब तो बनता है, हिसाब तो मांगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो वक्त जो खान साहब नहीं है अभी, तो उनका मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को उनके लुक में लूँ, उनके लुक में लूँ और खान साहब का नाम वापस से रोशन करूँ, जो अमजद खान जो गब्बर सिंह जो चले गए दुनिया से उनका नाम मैं वापस से रोशन करूँ, ये चाहता हूँ मैं, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, और आप सब लोग का हाथ और साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं और आगे बढ़ूंगी। डायलॉग हो जाए, हाँ सरदार, अरे वो सांबा सरकार कितना इनाम रखे रहे हम पर, पूरे 50,000 सुना, पूरे 50,000, और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और इन तीन हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, इसकी सजा मिली बराबर मिलेगी। सकते हैं कि सलमान शाहरुख वो तो है ही, उसके अलावा हमने क्रिकेटर्स को भी इस बार अवार्ड दिया है, क्रिकेटर्स हैं हमारे, पॉलिटिशियंस हैं जैसे मोदी जी हैं, फिर हमारे योगी जी हैं, काफ़ी उसमें आप देखोगे रामदेव बाबा भी हैं, तो इस बार ऐसे ऐसे लुकालाइट्स को लेकर आए हैं कि कहते हैं ना लोग की 8 अजूबे होते हैं, तो यहाँ आपको रियल में 8 अजूबे दिखेंगे। हाँ मैं बेसिकली एज हेमा मालिनी भी कर रही हूँ एंड मैं कुछ एंकरिंग पोर्शन भी कर रही हूँ, आपने देखा होगा अवार्ड्स में तो सारे लोग आजकल करते भी हैं, जो परफॉर्म भी करते हैं वो भी करते हैं, तो मैं दोनों जॉब कर रही हूँ। आपके साइड से एक डायलॉग हो जाए इस गेटअप में, या मैं नेक्स्ट गेटअप मेरा बसंती का है तो उसी गेटअप में दे दूँ। मैंने कहा था ना कि रुद्राक्ष को मत उतारना, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं, तुम नहीं सुधरोगे। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।